कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में आज भारत बंद का आह्वान किया है। रायसेन में भी किसान नेता इरफान जावरी और रज्जू भैया के नेतृत्व में किसान आज बंद को सफल बनाने के लिए व्यापारियों से अपील कर रहे हैं और वहीं शांतिपूर्वक ढंग से स्थानीय महामाया चौक पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद सभी किसान राष्ट्रपति के नाम रायसेन कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं इस आंदोलन को रायसेन में कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है, तो कांग्रेसी भी बड़ी संख्या में धरना स्थल पर पहुंचे। किसान जागृति संगठन के प्रमुख इरफान जावरी का कहना है कि अब यह लड़ाई आर पार की लड़ाई है और सरकार यह न सोचे कि किसान खाली बैठ जाएंगे। किसान अपनी मांगों को मंगवा कर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें सालों तक आंदोलन ही क्यों न करना पड़े। किसान नेता रज्जू भैया का कहना है कि केंद्र सरकार को किसानों की बात मानना चाहिए, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी है। किसान अपनी जायज मांगने की बात केंद्र सरकार से कर रहे हैं। केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर किसानों की बात मानना चाहिए। अगर केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी है और खड़ी रहेगी। आदर्श न्यूज के लिए पत्रकार अली हसन की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज पूरे भारतवर्ष में 550 किसान संगठन जो ने संयुक्त रूप से फैसला लिया भारत बंद करने का। भारत बंद देश में चल रहा, दिल्ली में जो किसान आंदोलन 10 माह पूर्ण हो गए हैं, इस आंदोलन में 700 किसानों ने शहादत दे दिए। परंतु जहां किसान गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को कर रहे हैं, वहीं केंद्र में बैठी है सरकार हिटलर शाही अपनाई हुई है। आज हिटलर के विचारधारा के बीच और गांधी विचारधारा के बीच देश में एक नया आंदोलन खड़ा हो गया है और आज जो ये बंद का आह्वान है सिर्फ किसानों की बात को लेकर ही नहीं, क्योंकि ये रोटी की लड़ाई है। सरकार रोटी को जो तिजोरी में ले जाना चाहती है, आज ये आंदोलन, आज भारत बंद जो है डीजल और पेट्रोल की बेताशा वृद्धि को लेकर भी है। ये आंदोलन बेरोजगारी के लिए भी है, ये आंदोलन रोजगार के लिए भी है, ये आंदोलन जिस तरह से बिजली कानून को लेकर है, इस आंदोलन के माध्यम से, और हम एक बार नहीं बार बार इस आंदोलन को करेंगे। आंदोलन तो चलेगा, अहिंसक चलेगा, गांधीवादी तरीके से चलेगा, क्योंकि किसान का भी लड़ता नहीं है, सिर्फ अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो गांधीवादी तरीके से ही लड़ेगा। और ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक ये तीन काले कानून वापस नहीं होते। निश्चित ही आज 550 संगठन संयुक्त मोर्चा का जो दिल्ली में लगातार आंदोलन के रूप में, ये आंदोलन अकेला किसानों की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है। इसमें 19 विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया है और निश्चित ही आज भारत बंद को सफल बनाने में कांग्रेस पार्टी का पूर्ण समर्थन इस आंदोलन में है। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।